तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने ब्लाइंड सॉल्यूशन भी कर दिया, तो बहुत बड़ी प्रतिभा है हमारे देश में। और यही चीज, देश तो हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम वसई विरार में रहते हैं तो हमारे वसई में, हमारे करीब में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभा है जो इस तरह के काम करती है। अब क्या करूँ पता है, मैं ये क्यों मैं ऐसे करूँगा, जैसे मैं टॉस करूँगा ना तो सॉल्व होता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम वसई तालुका कलाकड़ा महोत्सव में हैं। हमारे पीछे आप एक बड़ा सा पोर्ट्रेट देख सकते हो जिसमें शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी हुई है। इस पोर्ट्रेट की खासियत क्या है तो आपको बता दूँ कि इस पोर्ट्रेट को रूबी क्यूब जो आता है बनाया गया है, 800 रूबी क्यूब इसमें यूज़ हुए हैं और ये पूरा पोर्ट्रेट बनाया गया है। आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और जितना खूबसूरत ये पोर्ट्रेट है उसकी उतना ही खूबसूरत कलाकार इस पोर्ट्रेट को बनाने वाले खुद हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अब हम इनसे आपकी बात कराएंगे, उसके पहले इनकी कला में क्या क्या विशेषता है वो बताते हैं। तो हमारे ये इधर आ बेटा, ये इस बच्चे ने रूबी क्यूब को पूरा बिगाड़ा है। अभी इसको ये रूबी क्यूब जैसा बनाया जाता है वैसा बनाएंगे। एक बार अभी ये खुली आँखों से देख के बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद में ये ब्लाइंड आंख बंद करके वो दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, उसके बाद में इन्होंने कैसे सीखा है वो भी हम देखेंगे। आपका नाम? मेरा सिद्धेश कातकर है, मैं प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ, बट मैं इस स्पीड क्यूबिंग कर रहा हूँ, मतलब स्पीड क्यूबिंग सिखाता हूँ भी एंड ये कर रहा हूँ भी। तो इनिशियली मैं आपको जो साइटेड सॉल्व दिखाऊंगा, उसके बाद हम ब्लाइंड फोल्ड ट्राई करते हैं। ये आप करके तो इनिशियली 15 सेकंड का इंस्पेक्शन टाइम होता है, उसमें ना क्यूब को एनालाइज किया जाता है, उसके उसको सॉल्व किया जाता है। तो अभी मैं इनिशियली मैं क्यूब सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। अभी 15 सेकंड तक ये उसको देखेंगे। हो गया, उसके बाद 3, 2, 1। कुछ टाइमिंग है? यस, वर्स सॉल्व। अरे भाई, कुछ आपने ऐसा कुछ तो कुछ ने आप मंत्र लगाया, इतना जल्दी नहीं होता है, कुछ मंत्र लगाया है। आप देख सकते हो चंद सेकंडों में इन्होंने ये रूबी को क्यूब सॉल्व कर दिया। अब इसको ब्लाइंड करते हैं, नहीं आपके हाथ से नहीं, हम लोग बेटा इसको जरा पूरा बिगाड़ दो जैसा था। अभी ये आँख बंद करके सक्सेस के, बट लेट्स सी कितना सक्सेस आता है, लेकिन इतना करना बड़ी बात है। हाँ, हो गया पूरी तरह से। इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियली क्यूब को मेमोराइज किया जाता है, वो टाइम भी काउंट होता है, मतलब ये कंपटीशन में। तो इनिशियली मैं क्यूब मेमोराइज करूंगा, उसके बाद मैं हाथ ऊपर करके सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, बट इसमें 50% चांसेस है क्यूब सॉल्व होने का। तो इनिशियली मैं क्यूब मेमोराइज करूंगा, तो मेमोराइज करने के लिए मुझे अराउंड 1 मिनट लगेगा, तो मैं इनिशियली क्यूब मेमोराइज करता हूँ। ये उसको पूरा देखेंगे, उसके बाद में ब्लाइंड मतलब आंख बंद करें ना करें, लेकिन ऊपर वो उसकी तरफ देखेंगे नहीं, और बिना देखे उसको सॉल्व करेंगे। और ये सिविल इंजीनियर है पेशे से, साथ ही साथ ये इस तरह से रूबी क्यूब सॉल्व करना उसके बारे में लोगों को गाइड करते हैं और सिखाते भी हैं। अभी इनका मेमोराइजेशन शुरू है, कहाँ कैसा क्या आएगा वो ये एनालाइज कर रहे हैं। इन्होंने जैसा भी बताया कि 1 मिनट का समय लगता है, तो उतना वो समय अपना ले रहे हैं। अभी भी कुछ समय बाकी है। ये काफ़ी एक बेहतरीन बुद्धि बल इसको कहा जा सकता है, इमेजिन है। बहुत से लोग, मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन रूबी क्यूब मेरे से कभी सॉल्व नहीं हुआ, और ये इसको ब्लाइंड करने वाले 50% चांस है। सॉल्यूशन भी कर दिया, तो बहुत बड़ी प्रतिभा है हमारे देश में। और यही चीज, देश तो हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम वसई विरार में रहते हैं तो हमारे वसई में, हमारे करीब में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभा है जो इस तरह के काम करती है। अभी थोड़ा आप गुर सिखाओ क्या है इसमें। ये ब्लाइंड फोल्ड एक्चुअली मेथड है, मतलब अभी अभी जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो 3 स्टाइल मेथड है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि
इसमें बहुत सारे इवेंट जैसे 3x3 है ना, तो 2x2 से लेकर, पहले मैं इवेंट के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली इसके कॉम्पिटिशन होते हैं, WCA करता है, मतलब वर्ल्ड क्यूबिंग एसोसिएशन, ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें टोटल 17 इवेंट होते हैं, मतलब 2x2 से लेकर 7x7, मतलब ये तो 3x3 है, उसके बाद पिरामिक्स, मेगा मिक्स, वन एंड, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, उसका ब्लाइंड फोल्ड भी होता है। तो अभी जो मैंने मेथड यूज़ किया ना, वो 3-स्टाइल मेथड है, और ये 3-स्टाइल मेथड है वो ब्लाइंड फोल्ड का एडवांस मेथड है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 12 पॉइंट समथिंग सेकेंड, मतलब अराउंड 13 सेकेंड में उसने सॉल्व किया। जब ये ब्लाइंड फोल्ड में सॉल्व करते ना, तो जो मेमोराइजेशन टाइम होता है वो भी मेमोराइजेशन टाइम काउंट होता है। तो अभी मैंने जो सॉल्व किया वो अराउंड 1 मिनट 30 सेकेंड कुछ अराउंड रहेगा, या फिर अगर मेरा ये डायरेक्ट अगर एग्जीक्यूशन 30 सेकेंड का होता है, और मेमोराइजेशन अराउंड मेरा 30-40 सेकेंड हो जाता है। तो इसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 3x3 ब्लाइंड फोल्ड में 63 है, एंड मैं इससे बड़ा भी ब्लाइंड फोल्ड करता हूँ 4x4। तो 4x4 में मेरा ब्लाइंड फोल्ड ऑल इंडिया रैंक अराउंड 33। अगर आप मेरा गूगल पे नेम सर्च करेंगे सीड क्यूब सिद्धेश जनार्दन कातकर, या फिर अगर ये WCA में सर्च करेंगे सिद्धेश जनार्दन कातकर WCA, तो मेरे पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह है, तो वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा। और ये ऐसे में कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता हूँ रूबिक्स क्यूब के हेल्प से, तो ये रूबिक्स क्यूब से अराउंड 800 रूबिक्स क्यूब से बनाया हुआ है। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, #SeedCuber करके ये है, आप वहाँ पे भी वहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे स्किल्स, राइट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल रेड ग्रीन यहाँ पे था, रेड ग्रीन यहाँ पे आ गया, व्हाइट ब्लू यहाँ पे था, व्हाइट ब्लू यहाँ पे गया, मतलब क्या अगर मैंने एक टर्न किया तो एक पूरा पैटर्न चेंज हो गया, राइट। अगर देखो अगर मैं और एक टर्न चेंज करूँगा तो और एक पैटर्न चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्लू यहाँ पे था तो व्हाइट ब्लू यहाँ पे आएगा, ग्रीन ऑरेंज यहाँ पे तो ग्रीन ऑरेंज यहाँ पे, मतलब इसमें ये होता है कि हर बार मैं अलग अलग टर्न करूँगा तो हर बार अलग अलग पैटर्न बनेगा, उसमें से एक रैंडम पैटर्न है। आप क्या करूँ पता है, मैं ये क्यों ऐसे करूँगा, एंड जैसे मैं टॉस करूँगा ना तो सॉल्व होता है। थैंक यू। तो ये पेशे से सिविल इंजीनियर है सिद्धेश, और इनका जो दिमाग, इन्होंने अभी अपना एक इनके माइंड का जो परिचय दिया काफ़ी बेहतरीन था। दो बार ये भले ही ब्लाइंड में सक्सेस नहीं, उसमें इन्होंने पहले ही बताया था कि 50% चांस रहता है, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में इन्होंने सॉल्व किया, और कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन आज का ये अनुभव रहा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।